जाकिर अली इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, मैं जाकिर अली। फ्रेंड, अभी आप बहुत ही बेहतर सेशन कंप्लीट करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसमें उनकी बेहतरीन पोएम है टिंटन ने भी। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्रेंड, वर्ड बाई वर्ड, एक एक शब्द के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आप आसानी से मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ये आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड। देखिए, आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका जो कंप्लीट टाइटल है फ्रेंड। लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द बाय ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। देखिए, इसका जो टिंटन एबे शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द बाय ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ठीक है फ्रेंड, 5 साल पहले यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो गए थे 1793 में, ठीक है। उसके बाद में ये 1798 में दोबारा जाते हैं, और इस बार उनके साथ में उनकी बहन है, और वो वहाँ पर उनके दोनों भाई बहन, एक बाय नदी है, जो नदी है इसका नाम है बाय, ये बाय नदी इसके किनारे पे है, और वहाँ पर बाय नदी के किनारे पर एक मठ है जिसे एबी मठ, एबी क्या होता है, एक मठ, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ ये खड़े हुए हैं, और जो 5 वर्ष पहले जब ये आए थे तो उसी की कल्पना करते हुए ये यहाँ पर इसको कर रहे हैं। फाइव ईयर्स है पास्ट, 5 वर्ष बीत गए, 5 समर्स 5 गर्मियाँ 5 ग्रीष्मकालीन सत्र बीत गए, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स 5 लंबे सर्दियों के मौसम के साथ, एंड अगेन आई हेयर, और मैंने दोबारा सुना, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स, इस और ये जो पानी है, ये जो पानी है ये दोबारा वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे 5 वर्ष पहले ये गिर रहा था ऊपर से, अब बिल्कुल वैसे ही कलकल करता हुआ, संगीत की ध्वनि करता हुआ ये दोबारा गिर रहा है, विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर वंस अगैन। देखिए, इनलैंड कहते हैं एक देहाती एरिया, एक देहाती स्थल जहाँ पर ये घटना हो रही है वहाँ पर, और वो कहते हैं, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, और बिहोल्ड भी इसमें आई, मैंने मैं बिहोल्ड देखता हूँ, मैं देखता हूँ दीज स्टीप्स उन ढलानों को, स्टीप्स कहते हैं फ्रेंड ढलानों को, उन ढलानों को, एंड लॉफ्टी क्लिप्स और जो उठी हुई चट्टाने हैं, चोटियां हैं, क्लिप माने चोटियां, लॉफ्टी मीन्स उठी हुई चोटियां हैं, उन चोटियों को, दैट ऑन अ वाइल्ड सिक्योर्ड सीन, और जो वाइल्ड कहते हैं जंगली, और सिक्योर्ड कहते हैं एकांत बस, सीन इम्प्रेस प्रभावित करता है, जो दृश्य है वो मुझे अकेलेपन का, जो वहाँ का एकांत का जो है, लोनलीनेस का है, या डिजर्टेड कह सकते हैं इसे आप, डिजर्टेड कह सकते हैं आप, लोनली कह सकते हैं, यानी एकांत का जो दृश्य है वो मुझे आकर्षित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, थॉट्स ऑफ मोर डीप सेकुलरिज्म, और जो विचार है वो मुझे एकांत में, सेकुलरिज्म का मतलब होता है अकेलेपन में, तन्हाई में ले जाते हैं, ठीक है, एंड कनेक्ट और जोड़ देते हैं, और जोड़ देते हैं द लैंडस्केप उस दृश्य से, विद द क्यूट ऑफ स्काई, जो आकाश बिल्कुल आकाश से आता हुआ दिखाई देता है, द डे इज कम वो दिन आया, व्हेन आई अगेन रिपोज, और मैं दोबारा वहां पर उपस्थित हुआ, हियर यहाँ अंडर दिस डार्क स्काई मोर, ये साइकमोर एंड व्यू, ये साइकमोर एक प्रकार का इंजीर का फिग, अंजीर का पेड़ होता है साइकमोर, और ये इजिप्ट में या सीरिया में,
ठीक है फ्रेंड, इजिप्ट या सीरिया में ये पाया जाता है। इसको बड़े हेल्थ के लिए या हीमोग्लोबिन के लिए लोग यूज करते हैं। अंजीर बोलते हैं इसे हिंदी में, उर्दू में भी अंजीर बोलते हैं। तो इसका एक पेड़ है फ्रेंड, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज, और ये छोटे छोटे जो भूमि के खंड हैं, प्लॉट्स में छोटे छोटे खंड, कॉटेज ग्राउंडेड, जिन पे झोपड़ियां सी बनी हुई हैं, दीज ऑर्चर्ड टब्स, और ये जो क्लस्टर हैं या जो फलों से लदे हुए उद्यान हैं, वृक्षों के जो झुंड हैं, विच एट दिस सीजन, इस ऋतु में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, उनके जो अनराइप का मतलब होता है कच्चे फल हैं, आर क्लेड इन बन ग्रीन यू एंड लूज देम सेल्फ। फ्रेंड यहाँ ये कह रहे हैं कि जो कच्चे फल हैं यहाँ के, ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल तो फ्रेंड इनका जो हरा रंग है, ग्रीन ह्यू मीन्स कहते हैं कलर, कलर ठीक है, हरा रंग है, और वो उनको लूज मीन्स ढीला कर देते हैं देमसेल्फ, खुद को, ठीक है फ्रेंड। मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस वंस अगेन आई सी, मिड मीन्स बीच में, ग्रोव्स मीन्स वनों के, जो छोटे छोटे झुंडनुमा वृक्ष हैं उनके वनों को, और कॉप्सेस कहते हैं फ्रेंड जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे वृक्ष होते हैं उनको। वंस अगेन आई सी, मैं दोबारा देख सकता हूँ, दीज हेज रोज हार्डली हेज रोज, दीज हेज रोज हार्डली हेज रोज लिटिल लाइन्स, और जो ये जो हेज रोज कहते हैं झाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें, रोज मीन्स लाइनें और हेज कहते हैं झाड़ियों की। तो फ्रेंड ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं छोटी छोटी झाड़ियों की, ऑफ स्पोर्टिव बूट, जो बिल्कुल स्पोर्टिव का अर्थ होता है फ्रेंड खेलने वाली जो भूमि होती है, जैसे खेलने के लिए जो जगह होती है उसको, बूट रन वाइल्ड, जो जंगली जिसमें पशु कूदते फांदते हैं, दीज पास्टोरल फार्म्स, ये जो ग्रामीण फार्म्स हैं यानी खेती के स्थल हैं, ग्रीन टू द बेरी डोर एंड रीत ऑफ स्मोक। तो फ्रेंड ये हरे हरे बिल्कुल अपने दरवाजे खोल देते हैं, हरे रंग के दरवाजे खोल देते हैं, एंड रीत ऑफ स्मोक, और उनमें धुएं की लकीरें जैसी दिखाई देती हैं, रीत मीन्स लकीरें, स्मोक मीन्स धुएं की, सेंट अप भेजी गई हो इन साइलेंस, शांति के साथ, फ्रॉम एमंग दीज ट्रीज, इन वृक्षों के द्वारा, ऐसा लगता है जैसे इन वृक्षों के द्वारा ये भेजी गई हो, ठीक है फ्रेंड। और आगे चलते हैं फ्रेंड, विद सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम, और बिल्कुल अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, नोटिस मीन्स सूचना, एज माइट सीम, जो मुझे दिखाई देती है, जो कैसी दिखाई देती है, जिसे हमने कभी देखा ना हो वो अचानक से सामने आ जाए, अ बेगरेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस बूट्स। और फ्रेंड बेगरेंट कहते हैं जिप्सी लोग, जिप्सी ठीक है, ये ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल यानी आप इन्हें जनजाति कह सकते हैं फ्रेंड, ये वहाँ की जनजाति होती है, यानी बंजारे खानाबदोश लोग, ठीक है फ्रेंड, हाउसलेस जो बिना घर के हैं, इन जंगलों में रहते हैं फ्रेंड, और ऑफ सम हार्मिट्स के बियर बाय हिज फायर, और कुछ साधु संतों की जो गुफाएं हैं जहाँ वो अपना ध्यान लगाए हुए हैं और उनमें आग जैसी लगी हुई, द हार्मिट सिट्स एलोन, और वहाँ जो संत है वो बिल्कुल एकांत बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, दीज ब्यूटियस फॉर्म, देखिए फ्रेंड यहाँ ब्यूटियस कहते हैं सुंदर, दीज ब्यूटियस फॉर्म, ये सुंदर जो खेत हैं, थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस, एक लंबी अनुपस्थिति के बाद, 5 वर्ष के गैप के बाद मैं आया हूँ, हैव नॉट बीन टू मी, जो मेरे लिए नहीं है, एज इज लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन्स आई, और यहाँ के जो दृश्य है वो आदमी को बिल्कुल अंधा कर देते हैं, उसकी जो आंखें हैं उसको
दूसरे दुनिया में ले जाते हैं कुछ क्षण के लिए, बट ऑफ्ट इन लॉन्ली रूम्स एंड मेड द डेन। और मैं जैसे अपने कमरे में बैठा होता हूँ और उस क्षण को याद कर लेता हूँ, तो मुझे जो दिन मिड द डेन, जो मुझे उस जो वहां का जो दृश्य है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ मिड मीन्स बीच में और डिन कहते हैं शोर, जो बहुत ज्यादा शोर होता है, बिल्कुल बीच शोर में, ठीक है। हालांकि मैं कमरे में अकेले बैठा हूँ, लेकिन जब मैं याद कर लेता हूँ कि मैं वहां गया था, तो वही ले जाती है। टाउन्स एंड सिटीज, जो शहर का शोर और गुल है, कस्बों का, आई हैव ओ टू देम, मैं वहां से उसको लाया हूँ। इन अवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट, और इस जो मधुरता है, इसकी इसकी जो शांति है, वो मेरे मस्तिष्क को दोबारा से मुझे एक उल्लास प्रदान करती है। फेल्ट इन द ब्लड, मैं अपने इसको रक्त में महसूस करता हूँ। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और इसी माध्यम से अपने हृदय में महसूस करता हूँ। एंड पासिंग इवेंट इन टू माई प्योर माइंड, और मेरे जो शुद्ध माइंड है, उसी से होकर गुजर जाती है। विद ट्रिंकल रेस्टोरेशन फीलिंग टू ऑन अनरिमेम्बर्ड प्लीजर सच परहैप्स। देखिए फ्रेंड, ट्रिंकल मीन्स शांत, रेस्टोरेशन मीन्स आरामदायक, फीलिंग टू महसूस करता हूँ मैं इसको भी, ठीक है फ्रेंड। ऑफ अनरिमेम्बर्ड, जो अस्मरणीय है, जिन्हें मैंने याद नहीं किया है, सच परहैप्स, शायद ऐसा हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज हैव नो स्लाइट ऑफ ट्राइबल इन्फ्लुएंस, और वहाँ ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो वहाँ की जो जनजाति है उससे प्रभावित हो, यानी जो ट्राइबल कहते हैं एक सामान्य सा जीवन, ऑर्डिनरी लाइफ। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ, और जो अच्छा भाग होता है एक अच्छे आदमी की जिंदगी का, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट, उसके जो नेमलेस यानी बिना नाम का जो उसका जो टाइटल है, अनरिमेम्बर्ड, जो बिल्कुल उसको याद नहीं है, ऐसा कार्य है ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, एंड लव, और प्रेम का। नॉट लेस आई ट्रस्ट, मैं इस पर अधिक विश्वास नहीं करता। दो टू देम आई मे हैव ओ अनादर गिफ्ट, दूसरा उसके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ऑफ एस्पेक्ट, ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, और मेरे जो विचार हैं, जो मेरा मेरा जो ध्यान है, उसकी गहराई से मोर सबलाइम मुझे अधिक महान बनाता है, ब्लेस्ड मूड, और मुझे खुशियां प्रदान करता है। इन विच द बर्दन ऑफ मिस्ट्री, उस जो रहस्य है, उस जो मिस्ट्री मीन्स रहस्य, सीक्रेट है, ठीक है फ्रेंड। इन विच द हैवी एंड द बेरी वेट, जो सहनशील वजन है, भारी है, ऑफ ऑल दीज अन इंटेलिजेंट बर्ड, इस नासमझ संसार के लिए, इज लाइटेंड, प्रकाश युक्त है, जो अंधेरा हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए रोशनी की किरण है। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, सीरीन कहते हैं एकांत, और ब्लेस्ड मूड कहते हैं बिल्कुल शांत होके आराम के साथ सुना जाए खुशियों को। ब्लेस्ड मूड हैप्पी या ग्लोरियस कह सकते हैं आप इसे, उस मन के साथ में, इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, और उसका जो अफेक्शन मीन्स लगाव है, जेंटली मीन्स धीरे से, सज्जनता से, लीडर्स हमको आगे बढ़ाता है, अंटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कार्पोरियल फ्रेम, और जो ये कार्पोरियल फ्रेम जो कहते हैं, जो कार्पोरियल फ्रेम कहते हैं बॉडी, ठीक है शरीर, और ब्रीथ मीन्स सांस होती है उसके अंदर। एंड इवेन द मोशन ऑफ अवर ह्यूमन ब्लड, और जो हमारे जो मानव रक्त है उसको गति प्रदान करती है। अलमोस्ट सस्पेंडेड वी आर लेड ए स्लीप, अलमोस्ट सस्पेंडेड, देखिए फ्रेंड यहाँ थोड़ा शंका है उसे,
वी आर लेट एस्लीप, हम निद्रा में पड़े हुए हैं इन बॉडी शरीर में, एंड बिकम अ लिविंग सॉल और एक जीवित आत्मा की तरह, वाइल जबकि विद एन आई मेड क्यूट बाय द पावर, जो एक आँख है वो हमें बिल्कुल शक्तिशाली बनाती है, ऑफ हारमोनी एंड दी वाटर ऑफ जॉय, और जो गहरा पानी है वो हमें खुशियों से भर देता है। हमारे अंदर धीरे धीरे वो हमें उस खुशी की ओर ले जाता है जो हम जो हमने उस स्मृति के द्वारा, उस याद के द्वारा, जिसका चित्र अपने मन में खींचा है, और जो हमारी शरीर की सांस लेने की प्रक्रिया जैसे जैसे हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जो हमारा सोया हुआ शरीर है, जो हमें एक हमारी आत्मा बन जाता है, वही हमें आत्मा जो है इस बी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम उन सारी जिंदगी वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इफ दिस, अगर ये बी बट ए बेन बिलीव येट ओ हाउ ऑफ्ट, अगर ये फिर से हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ जाए, इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स, और अंधेरेपन में फ्रेंड, एंड मैनी शेप्स बहुत से आकार ले ले, ऑफ ज्वाइलेस, ज्वाइलेस कहते हैं जिसमें खुशियां ना हो, डे लाइट दिन का जो प्रकाश होता है, व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर, और फ्रेटफुल कहते हैं फ्रेंड थका हुआ, और स्टिर कहते हैं शोरगुल व्यवधान, अनप्रॉफिटेबल एंड फीवर ऑफ द बर्ड, और बिल्कुल जिससे कोई लाभ ना हो, बिना लाभ का, और ऐसा लगता हो जैसे संसार का ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है, हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माय हार्ट, और जो मेरे हृदय को थपथपाता है और लटक जाता है, हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, और जो आत्मा है वो उसके अंदर, तेरे अंदर चली जाती है, ओ सिल्वन बाय डाउ वंडरेड थ्रू द बूट्स, हे बाय नदी, कभी उस बाय नदी को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बाय नदी, जो तेरा दृश्य है वो मुझे अभी भी स्मरण है, मेरे मस्तिष्क को और अच्छा कर देता है जब मुझे याद आती है, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, मेरी आत्मा तुझमें कैसे प्रवेश कर गई, मेरी जो आत्मा है उसको तूने कितनी संतावना दी है। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ और अब विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्यूश्ड थॉट, और मुझे दुख है थोड़ा सा, मुझे अब थोड़ा सा दुख है, विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, जो मूर्छित अवस्था है, डिम धुंधली सी है, ठीक है फ्रेंड, उनकी मुझे अब पहचान नहीं है, जो यादें हैं कुछ पहले की उनके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड सम वॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, और फ्रेंड परप्लेक्सिटी कहते हैं भ्रम, उलझन, और कुछ कोई जो दुख की यादें हैं, कुछ उलझने हैं, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, और जो तस्वीर है मस्तिष्क की वो दोबारा जीवित होती है, वाइल जबकि हेयर, यहाँ आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस, उस भाव के साथ मैं केवल नहीं खड़ा हूँ, और प्रेजेंट प्लीजर जो वर्तमान का आनंद है, बट विद प्लीजिंग थॉट्स जो मुझे खुशियाँ देते हुए विचार हैं, दैट इन द दिस मोमेंट इस क्षण देयर इज लाइफ एंड ब्लड, जहाँ रक्त और जीवन है, फॉर फ्यूचर ईयर्स जो भविष्य के वर्षों में, एंड सो आई डेयर टू होप, मैं आशा करता हूँ तो हालांकि चेंज बदल जाएगा, नो डाउट इसमें कुछ संदेह नहीं है, फ्रॉम वॉट आई वॉज बेन फर्स्ट, मैं कैसा था, ये बदल गया है कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था, आई केम एमंग दीज हिल्स, मैं इन पहाड़ियों के बीच आया था, वेन लाइक अ रो, जब मैं यहाँ पहली बार आया था
तो एक हिरन के बच्चे की तरह था। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन बाय द साइड्स, और मैं बंध गया था पर्वत से उसी दिशा में, ऑफ द डीप रिवर्स उस गहरी नदी में, एंड द लोनली स्ट्रीम जो केवल एकमात्र धारा है। फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड्स देन वन हु शाउट द थिंग ही लव्ड, यहां से उड़ता हुआ है जो ऐसा महसूस होता है कि यहां से उड़ता हुआ है जिसके दृश्य मुझे प्रिय लगते हैं। फॉर नेचर देन उस प्रकृति से, द कॉर्सर प्लीजर ऑफ माई बॉयज डेज, मेरे जो जब बचपने के दिन थे उस समय जब मैं छोटा सा था, और आज मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा परिपक्व हो गया हूँ, महसूस करता हूँ उन चीज़ों को। एंड देयर ग्लेड एनिमल मोमेंट ऑल गॉन बाय, और जो पशुओं के जो खुशियों के जो क्षण थे वो जा चुके हैं। टू मी मेरे लिए बाज ऑल इन ऑल सब कुछ वही है, आई कैन नॉट पेंट, मैं इसको वापस नहीं कर सकता। व्हाट देन आई वाज, मैं क्या था तब, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक आवाज के माध्यम से, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन दैट द टॉल रॉक, और जो चट्टाने ऊंची ऊंची हैं वो मेरे अंदर एक जज्बा भरती थी। द माउंटेन पहाड़ एंड द डीप एंड ग्लूमी बूट, गहरा और धुंधला सा जो जंगल है जिसमें अंधकार में जो जंगल है, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, उनकी अवस्था और उनके रंग, वर देन टू मी मेरे लिए थे, एंड एपिटाइट अ फीलिंग एंड लव, मुझे जो महसूस करने या जिनमें महसूस कर सकता था जो उस प्रेम को, दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, और जो मेरी उसकी सुंदरता जो मुझे घुमा ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। बाई थॉट सप्लाइड नॉर एन इंटरेस्ट, अब जो विचार हैं वो अधिक मुझे आकर्षित नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। अनबोर्ड फ्रॉम द आई, और जो मैंने उधार नहीं लिए आंखों से, दैट टाइम इज पास्ट, वो समय अब बीत गया है, एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, अब उसका जो सब सर्वोच्च उत्कृष्ट जो खुशियां थी अब अधिक नहीं है, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और इसकी जो भिनभिनाहट वाली चीजें हैं, नॉट फॉर दिस, इसके लिए नहीं है। फेंट आई नॉर मोर नॉर मरमर अदर गिफ्ट, बिल्कुल मैं बेसुध हो गया हूँ, ना रो सकता हूँ, ना बुदबुदाहट कर सकता हूँ, ना ही कोई गिफ्ट है। हैव फॉलोड फॉर सच लॉस, और बिल्कुल उसी हानि की ओर हो गया हूँ, ऐसा लगता है मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आई वुड बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, अबंडेंट रिकम्पेंस फॉर आई हैव लर्न्ड, मैंने दोबारा जो यहाँ से आकर सीखा है उसको मैं छोड़ चुका हूँ। टू लुक ऑन नेचर, प्रकृति की ओर देखकर, नॉट एज इन द आवर घंटों नहीं देखकर, ऑफ थैटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफ टाइम, जो सोचने वाला जो युवा है जो अक्सर यहाँ पर समय बिताता था, द स्टिल एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो अभी भी मानवता का और एक ठहराव का संगीत लिए था, नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग, ना ही खुशियाँ थी ना ही दुख थे, दो ऑफ एम्पल पावर, और एक प्रचुर मात्रा में शक्ति थी, टू चेस्टेन एंड सबड्यू, एंड आई हैव फ्रेंड, यहाँ चेस्टेन और सबड्यू की बात की है, तो चेस्टेन कहते हैं शुद्धता प्यूरिफाई, और सबड्यू कहते हैं बिल्कुल उसी का बिल्कुल सही पनिशमेंट, ठीक है फ्रेंड। अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय, और जो उपस्थिति थी वो मुझको व्यवधान डाल रही थी मेरी खुशियों में, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स अ सेंस सब्लाइम, और जो अब मुझे जो मेरे विचार थे वो उमड़ रहे थे, जो खुशियाँ जो दृश्य मुझे खुशियाँ दे रहे थे, ऑफ समथिंग मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, अब वो झल्लाहट पैदा कर रहे हैं, हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, जिनकी जिनकी जिनका निवास इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जो सूर्य का प्रकाश को स्थापित करता है, एंड द राउंड ओशियन,
और जो चारों ओर का समुद्र है, एंड द लिविंग एयर और जो जीवित हवा है, एंड द ब्लू स्काई और नीला आकाश, एंड इन द माइंड ऑफ मैन और मनुष्य का मस्तिष्क, ए मोशन एंड अ स्पिरिट दैट इम्पेल्स, एक गति जो आत्मा को आगे ले जाती है, ऑल थिंकिंग थिंग्स, सभी सोचने योग्य वस्तुएं, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट और सभी सोचने के जो उद्देश्य हैं, एंड रोल थ्रू ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें बार बार मेरी आंखों में आती हैं, देयरफॉर एम आई स्टिल, मैं अभी भी हूँ ए लवर ऑफ द मीडोज एंड द बूट्स, मैं हरे मैदानों का और जंगलों का प्रेमी हूँ, एंड माउंटेन्स पर्वतों का, एंड ऑफ ऑल द बिहोल्ड बिहोल्ड हम जो भी देखते हैं उन सब का पुजारी हूँ, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ इस हरे संसार में, ऑफ ऑल माइटी वर्ल्ड सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली संसार में, ऑफ आई एंड ईयर कानों और आंखों में, बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट उन्होंने क्या आदि रचना की है, एंड व्हाट परसीव वेल प्लेस टू रिकॉग्नाइज और जो मुझे उनकी जो पहचान है वो मुझे कितना प्रसन्नता प्रदान करती है, इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस और जो भाषा का जो भाव है प्रकृति की, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट जो मेरे शुद्धता की जो विचार हैं, शुद्धता के विचार हैं या जो विचारों की शुद्धता है उसको, द नर्स, ये प्रकृति जो है एक नर्स की तरह है, द गाइड और एक पथ प्रदर्शक की तरह है, द गार्जियंस ऑफ माई हार्ट और मेरे हृदय का, एंड सॉल मेरी आत्मा की एक अभिभावक है, ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग और जितनी भी मेरी जो नैतिक उन्नतियां हैं, नॉर परचेज परचांस अब इनका अवसर नहीं आने वाला, इफ आई वर नॉट द थॉट अगर मेरे पास ये विचार नहीं होते, टाट अगर मैंने ये नहीं सीखा होता, सॉरी सिखाया होता, शुड आई द मोर जो मैंने सीखा है, सफर माई जेनियल स्पिरिट टू डीके और जो मेरी अंदर आत्मा है, जो मेरी आत्मा है वो मुझे बर्बादी की ओर ले जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जो सुंदर नदी के किनारे वो खड़े हुए हैं और एक कुछ आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और वो कहते हैं कि मुझे जो जेनियल कहते हैं प्रसन्नता, खुशी, ठीक है, जो आत्मा की जो खुशी है वो बर्बादी की ओर ना ले जाए, फॉर दाउ आर्ट विद मी और तू मेरे साथ है, अपॉन द बैंक्स उस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके तट पर, ऑफ दिस फेयर रिवर इस सुंदर नदी के, दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड जो मेरी बहुत ही प्रिय मित्र है, माई डियर डियर फ्रेंड इन द दाई वॉइस आई कैच तेरी आवाज, हे प्रिय मित्र, हे मेरी मित्र, मैं तेरी आवाज पकड़ता हूँ, समझता हूँ, द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट एंड रीड मेरी जो पहले वाला जो हृदय है उसकी आवाज जिसको मैं पढ़ता हूँ, माई फॉर्मर प्लीजर इन द शूटिंग लाइट्स जो प्रकाश है और वो मेरे जो पुराने आनंद के दिन थे उनकी बात करता हो रही है, ऑफ दाई वाइल्ड आइज तेरी जंगली आंखें, ओ येट अ लिटिल वाइल्ड थोड़ा सा मुझे जबकि अभी भी याद है, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस मैं यहाँ अभी भी देखता हूँ कि मैं पहले क्या था, माई डियर मेरी प्यारी, डियर सिस्टर मेरी प्रिय बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक और ये जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बेटर और प्रकृति जो है कभी किसी को डिसीव बेटर कहते हैं डिसीव करना, धोखा देना, कभी धोखा नहीं देती है, दैट हार्ट दैट लव्ड हर और जो हृदय है उसको प्रेम करता है, टिस हर प्रिविलेज और जो तेरे विशेष गुण हैं उन गुणों को थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस अवर लाइफ हमारे सारे जीवन के जो वर्ष हैं टू लीड जो हमें व्यतीत करते हैं जो हम गुजारते हैं फ्रॉम जॉय टू जॉय खुशी खुशी में फॉर सी कैन सो इनफॉर्म जो हमें सूचना देती है द माइंड दैट इज विद इन अस जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है सो इम्प्रेस बहुत प्रभावित होता है विद क्यूटनेस शांति के साथ एंड ब्यूटी और सुंदरता के साथ एंड सो फीड और हमें खिलाता है विद लॉफ्टी थॉट जो हमारे विचार जो उमड़ उमड़ के आते हैं एंड दैट नीदर एबल टंग्स कभी बुरी
जबान नहीं होती है, बुरी हमारी जीवा नहीं होती है, रस जजमेंट ना, और द सीयर ऑफ सेल्फिश मैन, जो हमें घृणापूर्ण, देखिए रस जजमेंट कहते हैं झूठा आरोप, झूठा आरोप लगाकर घृणा भरी नजरों से स्वार्थी आदमी बना देती है जो हमें, ना और ग्रीटिंग खुशियां नहीं लेने देती, वेयर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल, जहाँ पर दयालुता नहीं है वहाँ खुशियाँ नहीं हो सकती हैं, द डिरेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, जो इंटरकोर्स कहते हैं व्यापार, बिजनेस, इंटरकोर्स क्या कहते हैं बिजनेस, क्या होता है ये बिजनेस, ठीक है फ्रेंड। तो कह रहे हैं जो ड्रीरी यानी डल, नीरस, बिल्कुल डल है, ठीक है, बिल्कुल नीरस है जो व्यापार है, सेल इवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब, जो प्रिवेल कहते हैं सामाजिक, जिसके हम विरुद्ध में हैं वो हमें डिस्टर्ब कर, अर्थ होता है व्यवधान डालता, आवर चीयरफुल फेथ, आवर चीयरफुल फेथ, हमारे जो खुशी वाला जो विश्वास है, दैट ऑलवेज बी बिहोल्ड, जो से हम अभी भी देखते हैं, जिसको इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, खुशियों से भरा है, देयरफॉर लेट द मून, जिसमें चांदनी है, चांद है, शाइन ऑन दी इन द सॉलिटरी बॉग, जैसे चांद अकेला ही चमकता रहता है, अकेला ही चलता रहता है, एंड लेट द मिस्टी माउंटेन बैंड्स बी फ्री, और जो धुंधली सी पर्वत की हवाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, टू ब्लो अगेंस्ट दी, बहने के लिए तेरे विपरीत, एंड इन आफ्टर इयर्स, वर्षों के बाद, व्हेन दीज वाइल्ड एस्केटेसिस शैल बी मैच्योर्ड, अब जो तेरी भावनाएं हैं वो परिपक्व हो गई हैं, इनटू अ सोबर प्लेजर व्हेन दाई माइंड। तो देखिए फ्रेंड, व्हेन दीज वाइल्ड एस्केटेसिस, और जो तेरी जंगली खुशियां हैं, जो आनंद हैं, सेल बी मैच्योर, वो परिपक्व हो गई हैं, इनटू अ सोबर प्लेजर, सोबर प्लेजर, सोबर कहते हैं गहरा, और प्लेजर कहते हैं आनंद, वाइन, जब दाय माइंड, तेरा मस्तिष्क, सेल बी मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म, सभी अवस्थाओं में महान है, सभी मेंशंस कहते हैं कि महान, ग्रेट, दाई मेमोरी, तेरी यादें, बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस, और बिल्कुल तेरी यादों ने घर कर लिया है दिल में, ड्वेलिंग प्लेस का अर्थ होता है कि घर कर लिया है, फॉर ऑल स्वीट साउंड एंड हारमोनीज, ओह देन, और जितनी भी ये हारमोनीज कहते हैं जो मधुर धुनें होती हैं उनके लिए कहा गया है, इफ सॉलिट्यूड, अगर अकेलापन, और फियर, पेन, ग्रीफ, दुख, दर्द और दर्द दुख हो, शुड बी दाई पोर्शन, जो तेरा ही भाग है, विद वॉट हीलिंग थॉट्स, वो भर देता है, उसके विचार भर देते हैं उन ऑफ टेंडर जॉय, उस कोमल आनंद को, वाइल्ड दाउ रिमेम्बर मी, जो मुझे अभी भी याद है, एंड इज माई एक्सोरेशन नॉर पर चांस, और जो मेरा और जो मेरा जो मेरी नसीहतें हैं, एग्जोरेशंस कहते हैं नसीहतें, जो मेरी नसीहतें हैं उसे नहीं ले सकते तो, इफ आई शुड बी वेयर, अगर मुझे वहां जाना चाहिए या होना चाहिए, आई नो मोर कैन हियर, मैं अधिक नहीं सुन सकता, दाई वॉइस, तेरी आवाज, नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लीम्स, इन दुखों से, इन अंधेरेपन में, इन धुंधली सी जो यादें हैं उनमें तुझे नहीं समा सकता, और पास्ट एक्सिस्टेंस, जो बीते हुए क्षण हैं, बेल्ट डाउन देन फॉरगेट, जो मैं भूल चुका हूँ, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, इस बहती हुई धारा के किनारे, वी स्टूड टुगेदर, हम अभी भी खड़े हैं, एंड दैट आई सो लॉन्ग, और इतना लंबे के समय के बाद, ए वर्शिपर ऑफ नेचर, ए प्रकृति का पुजारी, आइदर केम, अभी यहाँ आया है, अनबेरिड इन दैट सर्विस रादर से, जो अभी भी कहता है विद वार्मर लव, उस प्रेम की गर्माहट से, ओ विद फियर डीपर जील,
उस गहरे उत्साह से और फॉलियर लव उस पवित्र प्रेम से नॉर वेल्ट वेल्ट डाउ देन फॉरगेट जो तू अब भी भूल गया है दैट आफ्टर माई वांडरिंग मैनी ईयर्स जो मेरे अभी भी बहुत से समय घूमने के हैं ऑफ अब्सेंस दीज स्टीप बूट्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स जो जो ऊंची ऊंची ढलान भरे जंगल हैं और लॉफ्टी क्लिफ्स ऊंची चट्टाने हैं एंड दिस ग्रीन पास्टर लैंडस्केप और इस हरे देहाती पास्टर कहते हैं ग्रामीण या देहाती लैंडस्केप दृश्य से बर टू मी मेरे साथ थे मोर डियर मुझे अधिक प्यारे बोथ फॉर देम सेल्फ एंड फॉर दाई सेक और जो जो तेरी अभी भी जो मुझे यादें हैं वो अभी भी मेरे साथ बनी हुई हैं। तो यहाँ जो पोइट है फ्रेंड वो ये कहता है कि हमने जब वो 5 साल के बाद वहाँ पहुँचता है तो वो कहता क्या देखता है कि 5 वर्ष बाद 5 साल के बाद उसका दोबारा आगमन हुआ है और उसने वो जो सजीव चित्रण किया है फिर से उस नदी की लहरें लहरों की ध्वनि का जो लहरों की आवाज़ है जो पर्वतीय उद्गम स्थल है जहाँ से वो लहरें निकल के आ रही हैं वो धीरे धीरे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं धीमी धीमी कलकल की आवाज़ें करती हुई जो बाय नदी है उसके किनारे जो पेड़ से लदे हुए फलों से लदे हुए जो वृक्ष हैं पहाड़ियाँ हैं वो उसे बहुत खुशियों का अनुभव दे रहे हैं। वो उसके साथ में उसकी बहन भी है और वो बताता है कि जब मैं अकेला कमरे में होता हूँ तो मुझे उन चीज़ों को बहुत ही जब याद आती है तो मुझे वहीं खींच के ले जाती है और आज मैं 5 साल बाद फिर से यहाँ आया हूँ और वो सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता है। फ्रेंड वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहें और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।